सिवान में अपराधी इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि लगातार हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपराधी लगातार ऐसे घटनाओं को अंजाम देकर सिवान प्रशासन के सामने नित नए चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां दिन दहाड़े SBI बैंक के CSP से अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर 20,000 रुपये की लूट कर ली है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सहुली बाजार की है, जहां CSP संचालक ने बताया कि 3 की संख्या में अचानक हथियार से लैस होकर आए अपराधी CSP के अंदर पहुंचकर काउंटर में रखे 20,000 रुपये, 2 मोबाइल लेकर गोपालपुर के रास्ते हथियार लहराते चलते बने। वहीं काउंटर पर रखे लैपटॉप समेत अन्य सामग्री की तोड़फोड़ कर दी। खबर की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस की लाख शक्ति के बावजूद जिले में अपराधी लगातार हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और रोज नई नई घटनाओं को अंजाम देकर सिवान जिला प्रशासन के सामने लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। हम अभी इसमें चला रहे CSP और 2-3 को लेडीज थी इसमें, और 3 आदमी आए उधर से गन घिरा दिए, घिरा कर बोले कि क्या इससे पैसा है जो हमको, तो 20,000 रुपया था, तो वहाँ से काउंटर में हाथ लगाया और निकाल लिया, और जो लैपटॉप था ये वाला डेस्कटॉप था उसको भी पटक पटक दिया, जो उसमें ड्रॉअर होता है वो सब खोल के देखा अपना, और देखो और उसमें 2 मोबाइल था, दोनों मोबाइल का चला गया। कितने लोग थे? 3 आदमी थे उसमें। आप लोग कितने आदमी थे यहाँ पे? यहाँ पे हम थे, 2-3 को लड़की थी पढ़ने वाली आई थी, पैसा निकालने के लिए आए थे, 3 को औरत थी, औरत देखी उस सब पे भिरा दिया, औरत भागने लगी, उसके बाद वो लोग गया अपना सब जितना सामान सब छीट उट दिया था। कितने लोग आया था? 3 आदमी? 3 आदमी आए थे, बाइक से था। किधर भागा? यहाँ से गोपालपुर की तरफ गया। गोपालपुर? कितना पैसा लगे आपसे? 20,000 रुपया। कितने बजे घटना है? 11:30 बजे करीब। 11:30? कितना पैसा था आपका? 20,000। और कुछ ले गया है? 2 मोबाइल ले गया, एक एंड्रॉइड सेट था, एक नोकिया का सेट था।